नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भूमि। वेलकम टू कैच लाइफ विद भूमि। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप एक छोटी किचन को फंक्शनल बना सकते हैं। मेरी किचन का साइज भी काफ़ी छोटा है और मैंने इन्हीं आइडियाज से उसे फंक्शनल बना रखा है। तो देखिए, सबसे पहली टिप ये है कि आप किचन के खाली स्पेस का या वॉल के स्पेस का इस्तेमाल करिए। मैंने ये घर पर ही कारपेंटर से एक रैक बनवाई और कम चौड़ी बनवाई है, वॉलपेपर इस पर लगाया और इसको मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी सारा सामान रखने के लिए। इसी तरह से मैंने एक वुडन शेल्फ जो कि अमेज़ॉन से परचेस करी थी, जिसकी विड्थ जो है करीब 6 से 7 इंच है, उसे मैं इसके ऊपर रखती हूँ और ये दोनों ही काफ़ी सारा सामान हैंडल कर लेती हैं। देखिए कितना सारा सामान इन दोनों में आ गया। मेरी किचन का डेली यूज़ होने का काफ़ी सारा सामान इस पर आ जाता है, यहाँ तक कि मेरा माइक्रोवेव और छोटा मोटा सामान सब इसके ऊपर रखा हुआ है, जिस पर मैंने एक छोटा सा टी स्टेशन भी बना रखा है। ज़रूर चेक करिए मेरे टी स्टेशन के वीडियो को। एंटर होते ही मैंने ये रख रखी है। इसके अलावा देखिए, ये रॉट आयरन की बनी हुई वॉल शेल्फ मैंने अपनी किचन में पहले लगा रखी थी, अमेजोन से परचेज करी थी और इन पे भी आप कुछ भी सामान हैंग कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट टिप है कि आप डिसाइड करिए कि आप खाना कहाँ पर बनाते हैं और सारी चीज़ों को उसी के आसपास रखिए। जैसे देखिए, मैं जहाँ पे खाना बनाती हूँ वहीं पे ये रैक रखी हुई है और इस पे बहुत सारा सामान, जैसे लाइटर हुआ, स्नैक्स के डब्बे हुए, मेरे किचन टूल्स हुए, या नाइफ, सीजर्स, अनियन पोटैटो के जो बास्केट्स हैं वो, बहुत किचन के टूल्स हैं, बहुत सारा सामान, स्पून्स या चाय छानने की छलनी सब रखे हुए हैं। एक नेक्स्ट टिप है कि आप किचन टूल्स का यूज़ ज़रूर करिए। ये किचन टूल्स जो कि मैंने खरीदे थे अमेज़न से और इन सब के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप ज़रूर उस वीडियो को चेक करिएगा। इनसे मेरी किचन की लाइफ काफ़ी ईजी हुई, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काम की हैं और इन सब का प्राइस जो है ज़्यादा नहीं है, ये अंडर 350 या अंडर 300 रुपीज़ ही हैं। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे कि आप किचन का बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपनी किचन को थोड़ा फंक्शनल बना सकते हैं। ज़रूर चेक करिएगा वीडियो जहाँ की मैंने इन सारे किचन टूल्स का रिव्यू और परचेज आपसे शेयर कर रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अब देखिए नेक्स्ट टिप है कि आप रोटी के आइटम्स जितने भी होते हैं रोटी बनाने के, उन सबको एक जगह रखिए, ताकि जब कभी भी आपको रोटी बनानी हो वो आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं। जैसे मैंने रख रखे हैं आटे का डब्बा, कैसरोल, परात, तवा रख रखा है, चकला, बेलन, सब मैंने एक जगह पे रख रखा है। इसके अलावा देखिए, ऑर्गेनाइज़र्स बहुत सारे मार्केट्स में अमेज़ॉन से मैंने खरीदे हैं, अवेलेबल हैं। इन ऑर्गेनाइज़र से आप एक छोटी किचन में बहुत सारा स्पेस बना सकते हैं और किचन फंक्शनल हो सकती है। काफ़ी सारी रैक्स हैं, अंडर शेल्फ बास्केट्स हैं और प्लास्टिक बैग का डिस्पेंसर है, इसे आप टांग सकते हैं, कहीं रख सकते हैं, सारी पॉलीथिन इसके अंदर आ जाती हैं। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स हैं, छोटा छोटा निकनैक आप इसके अंदर रख सकते हैं। इससे आपकी छोटी किचन में भी बहुत सारी जगह बन जाती है और इससे आप काउंटर टॉप के ऊपर का स्पेस, वॉल का स्पेस, अलमारी के अंदर, कैबिनेट्स के अंदर बहुत सारा सामान रख सकते हैं। जैसे ये स्टोरेज बास्केट हैं, काफ़ी सारा सामान ले लेती हैं। ये रोटेटिंग एक छोटी सी ऑर्गेनाइज़र है जिसके अंदर आप बहुत सारे मसाले एक छोटी सी जगह में रख सकते हैं। और अंडर शेल्फ बास्केट है, इसमें आप मसालदानी, कप्स हुए, बॉटल्स हुए, बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट टिप है कि आप बर्तनों को उनकी ज़रूरत और उनके साइज़ के हिसाब से रखिए। जो छोटे बर्तन हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उन्हें ऊपर की तरफ रखिए और हमेशा स्टील के और ग्लास के बर्तन अलग अलग रखिए। इसी तरह से मैं भी स्टील के बर्तन और ग्लास के बर्तन बिल्कुल अलग अलग प्लेस करती हूँ, जिससे वो बिल्कुल टूटते भी नहीं हैं और बहुत ही आसान होता है उनको यूज़ करना। बड़े बर्तनों को मैं रखती हूँ थोड़ा नीचे की तरफ और उन्हें भी जो यूज़ आते हैं उन्हें मैं रखती हूँ कि इस तरह से सामने, और बास्केट का यूज भी मैं कर लेती हूं बर्तनों को रखने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट टिप है कि बॉटल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती हैं, वो बार बार गिरती रहती हैं, तो इनको रखने के लिए आप पुराने कार्टन या कुछ स्टोरेज बॉक्स का यूज़ करिए। जैसे मैं बॉटल्स को रखती हूँ इस तरीके के पुराने कार्टन्स में और अनयूज्ड कार्टन्स में, और ये बिल्कुल भी नहीं गिरती और एक छोटे से स्पेस में ये आ जाती हैं।
अब देखिए नेक्स्ट टिप है कि पेपर नैपकिन्स को अलग अलग मत रखिए, एक साथ मत रखिए। अगर आप उन्हें एक साथ रखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, एक नैपकिन निकालते हैं और कई सारे नैपकिन नीचे गिर जाते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं रखने के लिए, आप इस तरह से रोल करिए नैपकिन को अलग अलग और उनको रख दीजिए एक किसी पुराने जार में, मैसन जार में। तो जब कभी भी एक आप नैपकिन निकालेंगे तो एक ही नैपकिन बाहर आएगा और बाकी के नैपकिन कायदे से इसमें रखे रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है कि सिंक के नीचे के एरिया को हमें यूटिलाइज करना है, क्योंकि किचन छोटी है, फंक्शनल बनानी है। मेरे सिंक के नीचे का एरिया थोड़ा सा टूटा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, सही होते ही शेयर करूँगी। तो सिंक के नीचे आप ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करिए, सिंक के नीचे के एरिया में डस्टबिन ना रखें। उसके बजाय आप एक छोटी सी डस्टबिन या एक छोटा सा आप कोई भी प्लास्टिक का डब्बा रख लीजिए सिंक के पास, और उसमें सारा जो वेस्ट है वो उसमें डालते जाइए, और फिर एक बड़ी डस्टबिन में बाहर आप उसे फेंक सकते हैं। टॉवल बेस का यूज़ करिए ग्लास आइटम्स को रखने के लिए, जब कभी भी आप बर्तन ग्लास के या कांच के बर्तन धोएं। मैंने एक इस तरीके का, जो देखिए ये एक फैब्रिक टाइप का है, ये मैंने बिग बाज़ार से लिया था, थोड़ा मोटा फैब्रिक है, इसके अंदर फोम लगी हुई है। तो जब कभी भी मैं बर्तन धोती हूँ, कांच के बर्तन धोती हूँ, तो मैं इसके ऊपर रखती रहती हूँ, जिससे ना तो वो फिसलते हैं ना गिरते हैं, और जो कांच के बर्तनों का पानी है वो ये नीचे जो ये मोटा फैब्रिक है ये सोख लेता है, और बहुत ही फिर मैं इसको धूप में सुखा देती हूँ। तो इस तरह से जो कांच के बर्तन हैं ना तो वो टूटते हैं ना वो फिसलते हैं, और जब वो सूख जाते हैं तो मैंने पोंछ के अंदर रख देती हूँ। तो आप इस तरीके का टॉवल बेस यूज़ कर सकते हैं, या पुरानी टॉल को भी यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि एक स्टोरेज बास्केट, खाली स्टोरेज बास्केट आप ज़रूर रखिए किचन में। तो देखिए इस तरह से मैंने रख रखी है खाली स्टोरेज बास्केट, जब कभी भी मैं सामान लाती हूँ तो बजाय उसके कि मैं काउंटर टॉप पे रख दूँ, इसमें अंदर रख देती हूँ। आज नारियल खरीदे तो देखिए मैंने इसके अंदर रख दिए, टाइम टू टाइम इसे मैं खाली करती रहती हूँ, और इससे मेरी किचन बिल्कुल भी नहीं फैलती है। उसके अलावा कॉर्नर्स को आप ज़रूर यूटिलाइज़ करिए, छोटी किचन है, कॉर्नर्स जैसे ये देखिए कॉर्नर है, खाली रखने की बजाय इसमें आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र रख दीजिए। जैसे मैंने ये एक रोटेटिंग ऑर्गेनाइज़र रख रखा है, देखिए कितना सारा सामान इसमें आ गया और कॉर्नर बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज़ भी हो गया। इसके बजाय देखिए कुछ इस तरीके के स्टील के कॉर्नर्स भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे घरों में अनियन और पटैटोज़ को रखने के लिए बड़ी बड़ी बास्केट्स होती हैं, अननेसेसरी बहुत सारा स्पेस ये घेरती हैं। अगर बड़ी किचन है तो कोई बात नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किचन छोटी है जैसे कि मेरी किचन है तो मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने इस तरह से अनियन और पटैटोज़ को रखने के लिए ले रखे हैं वेज साइज से खरीदे हुए ये कंटेनर्स, बहुत ही अच्छे हैं। इन्हें मैं करीब 1-1.5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें अनियन और पटैटोज़ बिल्कुल सही रखे रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, और ये छोटी सी जगह में आ जाते हैं, देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरीके की स्टोरेज बास्केट का यूज़ करिए, जिसमें प्रॉपरली होल्स हों, छेद हों, और इसके नीचे भी आप चाहें तो कुछ रख सकते हैं सामान, और इसमें रखिए अनियन और पटैटोस, कम जगह में आप रख सकते हैं इसमें, और ख़राब भी नहीं होंगे, और बड़ी सी बास्केट की जगह ये छोटी सी बास्केट जो है आपके स्पेस को बचा लेगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, जब कभी भी आप किचन को फंक्शनल बनाना चाहते हैं, आप चाहे बर्तन हो चाहे कोई भी सामान हो, जब कभी भी यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद उसे उसकी जगह पे रखिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे आपकी किचन हमेशा साफ़ सुथरी और हमेशा क्लीन दिखाई देगी और आपका काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी कुछ टिप्स एक छोटी किचन को फंक्शनल बनाने के लिए, बाकी की टिप्स एक और वीडियो में शेयर करूंगी। पसंद आए वीडियो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।